कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए कार्यकर्ताओं को सुजानपुर के विधायक के समर्थक डराने धमकाने पर उतारू हो गए हैं। शामिल हुए लोगों को दबाने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन 50 परिवार पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के साथ चट्टान की तरह खड़े हुए हैं और निरंतर खड़े रहेंगे। ये बात कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए युवा भाजपा मोर्चा के कार्यकर्ता सोनू उर्फ भगवान ने मीडिया के साथ बातचीत के दौरान दी। सुजानपुर विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता के दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष जगन कटोच, सुजानपुर भाजपा शहरी इकाई सचिव प्रकाश छडियाल और युवा कार्यकर्ता सोनू ने संयुक्त पत्रकार वार्ता के दौरान तमाम जानकारी दी। सोनू ने बताया कि वे चट्टान की तरह पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के साथ खड़े हैं और उन्हें डराने धमकाने की जो राजनीति हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हूँ और जो परिवार मैंने भारतीय जनता पार्टी धूमल साहब के साथ मैंने साथ खड़े हैं और एक चट्टान की तरह खड़े हैं वो, और विधायक के जो लोग मुझे डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं वो एक बात मन में अपने मन से निकाल दें कि हम धूमल साहब के साथ चले हैं, विकास को देख के चले हैं, और ये लोग अपने मन से गलफहमी में निकाल दें के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे एक चट्टान की तरह, बस धन्यवाद। इस मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष जगन कटोच ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कौन परिवार शामिल हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, इसकी गणना विधायक के हारे हुए सिपा सलाहर कर सकते हैं। वैसे भी उनके पास चुनाव हारने के बाद और कोई काम नहीं बचा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष ने कहा कि कौन और कितने परिवार भाजपा में शामिल हुए हैं इसकी बात का पता विधायक को विधानसभा चुनाव के दौरान ही लगेगा। विधायक और विधायक के जो लोग हैं जिनको 24 घंटे अखबारों की सुर्खियों में बने रहने का शौक है वो अक्सर अखबारों की सुर्खियों में ही बने रहते हैं, लेकिन जो ग्राउंड की हकीकत है वो कुछ और है। अभी हाल ही में 50 परिवार भाजपा में शामिल हुए, वो अपने मन से और धूमल साहब के साथ उनके विकास के कार्य को देख के शामिल हुए। हमारा परिवार बड़ा है, हमारा कुरबा बड़ा है, और हम इस कुरबे के जो नए परिवार में जो नए लोग आए हैं उनके साथ हम भी दिन रात उनके साथ चट्टान के साथ मजबूत रहेंगे। और जो कुछ लोग जो सूची की बात कर रहे हैं कि इसमें इतने परिवार शामिल हुए नहीं हुए, तो वो आजकल उनके जो हारे और नकारे हुए कार्यकर्ता हैं वो घर में फ्री ही तो हैं, वो सूची की जानकारी लें, पंचायतों में जाएं देखें। जैसे ही भाजपा जब इलेक्शन आएंगे हम उस सूची के बारे में भी उनको बताएंगे कि क्या रिजल्ट होगा। जैसे ही अगले विधानसभा के इलेक्शन में हम इसका पूर्ण रूप से जवाब देंगे। इस मौके पर शहरी भाजपा इकाई सचिव प्रकाश छडियाल ने विधायक के ऊपर झूठी राजनीति का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में रोजाना दर्जनों परिवार कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होकर कांग्रेस के कुनबे को कम कर रहे हैं, जिसको देखकर विधायक बौखला गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ रहा है और ये बात विधायक और उनके सिपासलारों को हजम नहीं हो रही है, लेकिन विधायक इस बात को जान लें कि विधानसभा चुनाव में उनका पतन निश्चित है। जो भी लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं वे पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के लोकप्रियता और उनके नेतृत्व के साथ साथ विकास कार्यों को करवाने के तरीके से प्रेरित होकर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में भाजपा मंडल सुजानपुर परिवार उन सभी परिवारों के साथ चट्टान के साथ खड़ा है जो भी कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो रहे हैं। सुजानपुर धानसा क्षेत्र में सुजानपुर के विधायक जो कथनी और करने जनता के सामने आ रही है, जैसे केंद्र की स्कीमों के ऊपर झूठे रिबन काटना और लोगों का जो झूठे वायदे किए थे उनसे पूरा ना करना, उनका मोह भंग हो चुका है और धीरे धीरे लोगों की समझ में आ गया है कि विकास पुरुष कौन है। और आज धूमल साहब के साथ पूरा सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र दिन रात उनसे उनके निवास स्थान पर जा जाकर मिल रहा है। बूढ़े बुजुर्ग हो रहे हैं कि आप इलेक्शन के लिए आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। तो इस कुनबे को बढ़ते हुए देखते हुए सुजानपुर के राणा एंड सन्स कंपनी का अंत करण शुरू हो गया है और जो भी धीरे धीरे लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं उनका हम तहे दिल से स्वागत करेंगे और भाजपा को मजबूती से आगे पूर्ण समर्थन से जो क्षेत्र में धूमल सिंह जी की जीत को श्रेय देंगे। और लोग जिस हिसाब से कुनबा बढ़ रहा है उसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। धन्यवाद।